और दोस्तों, क्या हालचाल है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेट अप फिंगरप्रिंट लॉक, यानी कि इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। फिंगरप्रिंट डेटा ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको फोन के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहां सर्च बार पे फाइंड करेंगे फिंगरप्रिंट। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके सीधा फिंगरप्रिंट लॉक सेटिंग्स में जा सकते हैं, या तो फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। नेक्स्ट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे टैप करेंगे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग से आप पैटर्न लॉक, फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम फिंगरप्रिंट लॉक ऐड करना सीखेंगे। यहाँ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करिए। फिंगरप्रिंट सेट करने से पहले आपको कुछ एडिशनल पासवर्ड सेट करना होगा। अगर आपके फ़ोन में पहले से ही कोई स्क्रीन लॉक सेट किया हुआ है तो ये पासवर्ड आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। एडिशनल पासवर्ड इसलिए सेट करना होता है क्योंकि कई बार फिंगरप्रिंट स्कैनर हमारे फिंगर ठीक से स्कैन नहीं कर पाते, उस समय आप दूसरा पासवर्ड डाल के फोन को अनलॉक कर सकते हैं। यह एडिशनल स्क्रीन लॉक के हिसाब से पैटर्न, पिन या पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनमें से पैटर्न लॉक को चुन लेता हूँ। उसके बाद टू टाइम सेम पैटर्न को ड्रॉ करके कॉन्फर्म कर देंगे। एड योर फिंगर डेटा, जिस अंगुलियों को आप सेट करना चाहते हैं उसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद सेंसर के ऊपर फिंगर को अच्छी तरीके से अप एंड डाउन करके मूव करते रहिए। फिंगर टच करने के साथ साथ आप वाइब्रेशन महसूस करेंगे। क्लीन द सेंसर, अगर ऐसा एरर आता है तो पावर बटन और अपना अंगुलियों को कपड़े से साफ कर लेना। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का जो लाइन दिख रहा है, अपना फिंगर को चारों तरफ से मूव करके इन सभी लाइन को फील करते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फिंगर डेटा ऐड हो चुका है। यहाँ ऐड फिंगरप्रिंट पे टैप करके मैक्सिमम 5 फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड, अगर आप प्रेस चूज करेंगे तो उस फिंगर से पावर की को प्रेस करके फोन अनलॉक करना होगा। अगर आप टच रखेंगे तो एक बार जस्ट पावर बटन टच करने से आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। फिंगरप्रिंट डेटा को स्क्रीन अनलॉक, ऐप लॉक और प्राइवेट फोटो एक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट लॉक सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।